हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको डबल एसी, ट्रिपल एसी और एसीएसआर कंडक्टर के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको यूज एप्लीकेशन कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा किया किसका कम होता है, स्पैन, वेट, कोरिजिन और कंडक्टिविटी पे बात करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं न्यूज डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज देखेंगे। तो डबल एसी का जो फुल फॉर्म होता है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। कहने का मतलब जो एएसी होता है वो जो है आपकी मोस्टली या 99.7% एल्युमिनियम कंपोजिशन मिला होता है, जिसके वजह से क्या होती है, इसे कोस्टल रीजन में यूज किया जाता है। कोस्टल रीजन में कहने का मतलब जहां पर समुद्री इलाका होता है, वहां पर जो भी बस्ती या गांव या शहर छोटा जो बसा होता है, वहां पर जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में जो यूज किया जाता है कंडक्टर, वो आपको डबल एसी होते हैं। और साथ ही साथ आपको रेलवेज, मेट्रो, बस बार और स्विच यार्ड में भी आपको डबल एसी कंडक्टर्स देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रिपल एसी का, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। तो ये प्योरली एल्युमिनियम होते नहीं है, इसमें क्या होते हैं एलॉय। एलॉय कहने का मतलब दो से अधिक धातु को जब मिलाया जाता है तो एलॉय बनता है। तो कहने का मतलब एल्युमिनियम के साथ और भी कंपोजिशन मिलाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सेल्सियम, ये सब मिलाए जाते हैं। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, उसी हिसाब से इसका यूज किया जाता है। तो या इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, पावर लाइन क्रॉसिंग, ग्रेट रिवर। कहने का मतलब अगर नदी ज्यादा लंबी है तो वहां पर जो ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह यूज करेंगे, वहां पर जो कंडक्टर यूज होंगे आपके ट्रिपल एसी होंगे। और आपकी जहां पर बर्फीली जगह है, वहां पर जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में या ट्रांसमिशन पर्पस में जो भी यूज करेंगे कंडक्टर, वो आपकी ट्रिपल एसी होगी। तो ये एक सेक्शन है जहां पर इसको मोस्टली यूज किया जाता है। उसी तरीके से अगर एसीएसआर कंडक्टर की बात किया जाए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इसमें क्या होता है, ये प्योर एल्युमिनियम होते नहीं है, इसमें स्टील मिलाया जाता है ताकि इस कंडक्टर का जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छा हो जाए, ताकि इसे ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके। एसीएसआर कंडक्टर जो होते हैं वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो स्टील की कंपोजिशन मिलाई जाती है 6 से 40% मिलाई जाती है, ताकि जिस तरीके से हमें यूज करना होता है उस टाइप के कंपोजिशन के हम लोग एसीएसआर कंडक्टर यूज करते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में आपको एसीएसआर कंडक्टर्स मिल जाते हैं। उसी तरीके से अब हम लोग आगे देखने वाले दोस्तों, अब देखने वाले हम लोग किसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब किसमें जो है आपका ज्यादा फोर्स बियर कर सकता है, मतलब कौन कंडक्टर में अगर फोर्स लगाया जाए तो कौन ज्यादा देर तक सह सकता है, वो जल्दी टूटेगा नहीं। एसीएसआर कंडक्टर्स में जो होते हैं, हम लोग स्टील मिलाते हैं, इसके वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो जाती है। इसलिए जो है एसीएसआर कंडक्टर को हम लोग काफी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, लॉन्ग स्पैन में यूज करते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो ट्रिपल एसी का आता है, और सबसे कम जो आता है डबल एसी की आती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होती है, इसलिए इसको बहुत ही शॉर्ट स्पैन जहां पर होता है वहां पर उसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, वहां पर जो है डबल एसी कंडक्टर का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कोरिजिन पे, जैसा कि आपको पता है डबल एसी जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर एल्युमिनियम होते हैं। 99.7% एल्युमिनियम के कंपोजिशन मिले होते हैं, जिसके वजह से क्या होती है उसमें कोरिजिन की चांसेस बहुत ही कम होती है। और ट्रिपल एसी की जो होती है उसमें भी होती है, कम होती है, बट एसीएसआर कंडक्टर होती है उसमें सबसे ज्यादा कोरिजिन होने का या जंग खाने का सबसे ज्यादा चांस होता है। अगर उसी तरीके से बात किया जाए स्पैन, तो स्पैन किसको बोलते हैं, दो पेड़ के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, स्पैन। बात करें अगर मुझे ज्यादा लॉन्ग स्पैन लेना है, जैसे कि आपको ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता होगा कि लॉन्ग स्पैन होते हैं, तो वहां पर जो है सबसे ज्यादा एसीएसआर कंडक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको ट्रिपल एसी और लास्ट में डबल एसी। कहने का मतलब जब छोटे स्पैन होंगे तो एएसी और सबसे ज्यादा लॉन्ग स्पैन होंगे वहां पर जो हम लोग एसीएसआर कंडक्टर्स यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसके फायदे, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी,
कंडक्टिविटी भी ठीक ठाक है, खराब नहीं है। इसमें एक और कंपोजिशन मिला के इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी की जाती है। तो अगर बात की जाए वेट का, तो कि आपको पता है ACSR कंडक्टर में स्टील की मात्रा होने की वजह से इसकी वेट भी ज्यादा होती है, और सबसे कम, जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि डबल AC में सबसे कम वेट होता है, क्योंकि इसमें एलॉयज वगैरह नहीं होते हैं, बहुत ही माइनर में होते हैं, आपको उतना पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 99.7 और कुछ मिलाया जाता है। और बात किया जाए कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसा कि डबल AC में जो क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर्स के बने होते हैं, जिसके वजह से इसकी कंडक्टिविटी अच्छा होती, एलॉयज होंगे या स्टील मिलाएंगे तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक आपकी कम हो जाएगी, जिस तरीके से ACSR कंडक्टर की सबसे कम कंडक्टिविटी होती है। तो इंडिया में जो है सबसे ज्यादा आपको ACSR कंडक्टर मिलेंगे, अगर आप आउट ऑफ कंट्री इंडिया जाओगे तब आपको बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर जो ACSR कंडक्टर को ना यूज करते हुए ट्रिपल AC कंडक्टर को बहुत ही ज्यादा प्रिफरेंस दिया जा रहा है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।